वेलकम टू रेड to चैनल तो आज हम फिजिक्स ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग में फिफ्थ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारा रेडिएशन यूनिट्स एंड इंट्रैक्शन विद मीडियम और इसमें हम कुछ एम सी क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ जो टॉपिक है मैंने प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किए हैं फर्दर जो अनदर टॉपिक्स हैं जैसे कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेयर प्रोडक्शन स ऑफ ट प्रोसेस ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिग गैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन रेडियोलॉजी तो रेडियोलॉजी में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन्स की कोलाइडिंग होती है एटम के साथ जो कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन से बेसिकली होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को के या एल शेल से इजेक्ट कर देता है यानी कि अपनी जगह से हटा देता है और एक फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट करता है विद काइनेटिक एनर्जी उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी होती है यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करता है तो ये संपूर्णता फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाता है तो जो सभी प्रोटॉन्स हैं उनको एक जो एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी एक ऑर्बिटल बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी होती है ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है तो उस ऑर्बिट को मेंटेन और बेसिकली बांधे रखने के लिए जो एनर्जी लगती है वह होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी यानी कि उस ऑर्बिट में घूमते रहने के लिए जो एनर्जी है वह हमारी बाइंडिंग एनर्जी और जो हमारा फोटोन्स उससे टकराता है उस शेल से के या एल शेल में टकराता है जब तो उसकी जो एनर्जी है फ़ोटोन की वो हमारे के या एल शेल की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो उसको अपनी जगह से हटा सकता है तो हमारी जो फ़ोटोन की जो एनर्जी है जैसे कि हमने अभी जाना कि वो एनर्जी ज़्यादा होगी तभी वो उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से हटाएगा फोटॉन्स तो पहली बात आपको ध्यान रखने की बात है कि टाइटली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है के शेल में है उसको इंट्रैक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन करते हैं तब तब फोटोन की एनर्जी हायर होनी चाहिए और उसकी ऑर्बिटल एनर्जी से तभी जब उसको अपनी जगह से इजेक्ट करेगा उसके बाद जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है क्रिएट होता है और यू कैन से करेक्टरिस्टिक एक्सरे या ओगर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं तो ये इसमें क्रिएट होता है ये हमारा कहलाता है प्रोबे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब प्रोबेबलिटी की बात करें तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्रोसेक्शन पर यूनिट मास जो प्रोपोर्शनल करता है जेड की पावर क्यूब अपॉन में ई की पावर क्यूब जेड यहाँ पर जैसे कि आपको पता है एटोपिक नंबर होता है और ई हमारा इंसिडेंट फोटोन एनर्जी होती है फोटोन एनर्जी मतलब जो हमारा फोटोन इंट्रैक्ट करता है के शेल, के इलेक्ट्रॉन से तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो जब अगर हमारी फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होती है तो सब्जेक्ट कंट्रास्ट है वो डिक्रीज होता है और हायर एटॉमिक नंबर से हमारा सब्जेक्ट कंट्रास्ट जो है इंक्रीज होता है जैसे कि हमारा बेरियम है जिसका एटॉमिक नंबर है छप्पन और आयोडीन का तिरपन है इफेक्टिव कंट्रास्ट एजेंट होते हैं एक्सेप्शन हर जगह एग्जिस्ट करते हैं तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है सिग्निफिकेंटली अगर हमारी जो है इंसिडेंट फोटोन एनर्जी सरपास कर जाती है के शेल की बाइंडिंग एनर्जी से जिसे हम के एज एब्जॉर्प्शन कहते हैं यानी कि हमारे के शेल की बाइंडिंग एनर्जी है जो उससे अगर ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन वीक हो जाती है तो के एज एब्जॉर्प्शन कहते हैं उसको तो ये हमारा एक्सेप्शन होता है ये आपको ध्यान रखना है अब इसमें जो है एक हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आयोडीन के जो के शेल में बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारी है 33.2 थ्री पॉइंट टू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रिजल्ट करती है सिक्स फोल्ट इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन एट द के एच यानी कि जो एलिमेंट शार्प एब्जॉर्प्शन एजिस होते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बेसिकली ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी के उससे तो उसमें हमारा एबजॉर्प्शन होता है वे हमारा जैसे हमने कि हमने अभी जाना के एच एब्जॉर्म सी क्यू क्वेश्चन नंबर इज द प्राइमरी आउटकम ऑफ द दिलैक्ट्रिक इफेक्ट इन रेडियोलॉजी तो प्राइमरी आउटकम तो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑप्शन ए हमारा प्रोडक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरेज ऑप्शन बी हमारा स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स ऑप्शन सी हमारा आयनाइजेशन ऑफ एटम्स ऑप्शन डी हमारा इंक्रीजिंग इन सब्जेक्ट कंट्रास्ट तो जैसा कि हमने जाना कि जो ऑप्शन uh, नंबर हमारा ए राइट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो उत्पन्न होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चन नंबर टू इन दोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वट आर द इंसिडेंट फोटोन ट्रांसफर ऑल ऑफ इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन कब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंसिडेंट एनर्जी ट्रांसफर करती है अपनी सारी एनर्जी को इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स में ऑप्शन नंबर ए हमारा व्हेन द फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग एनर्जी ऑप्शन बी हमारा व्हेन द फोटोन एनर्जी इज़ लेस देन इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग एनर्जी ऑप्शन सी हमारा व्हेन द फोटोन एनर्जी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग एनर्जी एंड ऑप्शन डी हमारा व्हेन द फोटोन एनर्जी एक्सीड्स वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो राइट आंसर है, है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जब हमारी फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से इक्वल होती है तब वह है अपनी सारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर देता है क्वेश्चन नंबर थ्री विच शेल ऑफ एन एटम इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन रेडियोलॉजी तो कौन सा शेल हमारा कॉमनली इन्वॉल्व होता है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑप्शन नंबर ए हमारा एम शेल ऑप्शन नंबर बी हमारा एल शेल ऑप्शन नंबर सी हमारा के शेल ऑप्शन नंबर डी हमारा एन शेल तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केशल हमारा इन्वॉल्व होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चन नंबर फोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दिक इफेक्ट पर यूनिट मास इज प्राइमरली डिपेंड ऑन विच फैक्टर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने की संभावना किस पर डिपेंड करती है ये हमें बताना है किस फैक्टर पर ऑप्शन ए हमारा एटॉमिक नंबर एंड इंसिडेंट फोटोन एनर्जी ऑप्शन बी हमारा डेंसिटी एंड एटॉमिक मास ऑफ द मटेरियल ऑप्शन सी हमारा फोटोन वेवलेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑप्शन डी हमारा द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन तो जैसा कि हमने जाना था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है एटॉमिक नंबर और इंसिडेंट फोटोन एनर्जी जो हमने जेड की पावर क्यूब अपोन में ई e की पावर क्यूब पढ़ा था तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो उसकी प्रोबेबिलिटी इससे दर्शाती है एटॉमिक नंबर हमारा जेड था और इंसिडेंट फोटोन एनर्जी हमारी ई e कहलाती है क्वेश्चन नंबर फाइव वट इज़ के एच एब्जॉप्शन इन दी कॉन्टेक्सट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो के एच एब्जॉर्प्शन फोटो इलेक्ट्रिक के संदर्भ में क्या कहलाती है ऑप्शन नंबर ए हमारा द पॉइंट एट विच एन एलिमेंट बिकम फुली आयोनाइज्ड ऑप्शन बी हमारा द थ्रेसोल्ड एनर्जी ऑफ ए फॉर अ फोटोन टू कोज फोटो आयोनाइजेशन ऑप्शन सी हमारा द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दी केशल ऑप्शन डी हमारा द एनर्जी एट विच ओगर इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड तो के जब से कहलाती है जब एक थ्रेसोल्ड एनर्जी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है द्रेसोल्ड तो एनर्जी फो, तो थ्रेसोल्ड एनर्जी है वो हमें फोटोन को चाहिए एक फोटो आयोनाइजेशन करने के लिए पेयर प्रोडक्शन इन रेडिएशन फिजिक्स तो पेयर प्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारा फंडामेंटल जो है इंट्रैक्शन है रेडिएशन फिजिक्स का प्रोसेस की बात करें तो व्हेन द फोटन विद एनर्जी फोटोन की एनर्जी अगर ग्रेटर देन 1.02 पॉइंट जीरो टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और इंट्रैक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड से तो जो फोटोन है हमारा वो सडनली कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन पेयर में जो ईच पार्टिकल है उसको ज़ीरो पॉइंट फाइव वन वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक्सेस एनर्जी की जो है एंड द एक्सेस एनर्जी इज शेयर्ड एज काइनेटिक एनर्जी जो बाकी है वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर यूज़ होती है एनर्जी मास कन्वर्जन की बात करें तो जो हमारी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ मास एनर्जी है वही इक्वेलेंट है इस प्रोसेस में थ्रेसोल्ड एनर्जी की बात करें तो पेयर प्रोडक्शन में मिनिमम 1.02 पॉइंट जीरो टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है थ्रेसोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोबेबिलिटी की इसके होने की संभावना को क्या क्या प्रभाव डालती है तो प्रोबेबिलिटी जब इनक्रीज होता हो जाती है जब हमारा फोटोन की जो हायर फोटोन एनर्जी होती है तब हो जाती है और प्रोबेबिलिटी जो है प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के स्क्वेयर के मटेरियल के जो एटॉमिक नंबर है उसके स्क्वायर के एनर्जी लॉसेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर देता है अपनी एनर्जी किन किन प्रोसेस से एक्साइटेशन से आयनाइजेशन से और फिलिंग ऑर्बिटल वैकेंसी जो हमारी फीलिंग करती है आयनाइजेशन होने के बाद वह भी उससे भी हमारी एनर्जी लॉसिस होते हैं पॉजिट्रॉन लॉसिस एनर्जी हमारा आयनाइजेशन से एक्साइटेशन से और ब्रंस्टलंग से अब आउटकम की बात करें तो बेसिकली पेयर प्रोडक्शन में क्रिएट होता है रिजल्ट पेयर प्रोडक्शन के रिजल्ट क्या होता है कि क्रिएशन ऑफ टू फोटॉन्स जीरो पॉइंट फाइव वन वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इजेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्रिएट होते हैं इंट्रैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट है फोटोन के लिए विद ग्रेटर इलेक्ट्रॉन वोट एनर्जी अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारा इंसिडेंट फोटोन है ये हमारा टकराता है के शेल से और ये हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में करा और ये हमारा करेक्टिक एक्सरेज है तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं जो फोटोन एनर्जी है वो हमारी के शेल से के शेल की जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे ज्यादा होनी चाहिए तभी प्रोसेस संभव हो पाता के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट होती है ऑप्शन नंबर ए हमारा जीरो पॉइंट फाइव वन वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन सी हमारा जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन डी हमारा टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो राइट right आंसर है जैसा कि हमने जाना ऑप्शन नंबर सी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एक तरह से बेसिकली मिनिमम थ्रेसोल्ड एनर्जी होती है थ्रेसोल्ड एनर्जी का मतलब होता है कि एक लिमिट तय कर देते हैं किसी भी चीज में तो तब वह कहलाती है थ्रेसोल्ड एनर्जी थ्रेसोल्ड बेसिकली क्वेश्चन नंबर टू वट एपन्स वेन ए फोटो फोटो अंडरगो पेयर प्रोडक्शन इन ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड

ऑफ ईच क्रिएटेड पार्टिकल पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो पेयर प्रोडक्शन में जो हमारे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट हुए हैं उनकी जो एनर्जी है वो कितनी होती है जैसे कि हमने अभी जाना था ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है जीरो पॉइंट फाइव वन वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है एनर्जी होती है दोनों की पॉजिट्रॉन की भी और इलेक्ट्रॉन की भी क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेयर प्रोडक्शन चेंजेस विद एन इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द मटेरियल तो मटीरियल एटॉमिक नंबर से पेयर प्रोडक्शन के uh, होने की संभावना को कैसे बेसिकली चेंज करते हैं यह हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए हमारा इट रिमींस कॉन्स्टेंट ऑप्शन नंबर बी हमारा इट डिक्रीजेस ऑप्शन नंबर सी हमारा इट इनक्रीस लीनियरली एंड ऑप्शन डी हमारे इट इनक्रीस प्रोपोर्शनली टू जेड केयर तो जैसा कि हमने जाना था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इट इंक्रीज प्रोपोर्शनली टू टू प्रोपोर्शनली यानी कि अगर मटेरियल का मटेरियल के स्क्वेयर का नंबर अगर बढ़ता है तो उसके होने की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर फाइव पेयर प्रोडक्शन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर विच रेंज ऑफ फोटोन एनर्जी तो पेयर प्रोडक्शन किसके लिए बेसिकली किस रेंज के लिए फोटोन एनर्जी के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है ऑप्शन नंबर ए हमारा लेसन वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन सी हमारा ग्रेटर देन फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन नंबर डी हमारा इट इज़ इक्वली सिग्निफिकेंट अक्रॉस ऑल एनर्जी रेंजेस तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेटर देन फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका बेसिकली रेंज ऑफ फोटोन एनर्जी है